चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जन स्वराज अभियान अपने चरम पर है। आम लोगों के साथ बिहार के नेता भी उनके साथ इस अभियान में जुड़ रहे हैं और प्रभावित भी हो रहे हैं। अब 30 से ज्यादा नेता अलग अलग पार्टियां छोड़कर जन स्वराज के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने एक आदेश जारी कर अपने नेताओं को जन स्वराज अभियान से दूर रहने की सलाह दी थी। अब जन स्वराज में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट देखकर लगता है कि जल्द ही नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ऐसे ही लेटर जारी करने पड़ सकते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जन स्वराज अभियान से लगातार बिहार के सभी जिलों से लोग जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में आम लोगों के साथ ही कई दलों के राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं। हाल के ही दिनों में राजद, भाजपा और जेडीयू से कई नेताओं ने अपने दलों से इस्तीफा देकर जन स्वराज की सदस्यता ली है, जिसमें जुड़ने वाले कुछ नेताओं के अगर नाम देखा जाए तो शिव कुमार शाह जो भागलपुर से है, राजद जिला अध्यक्ष हैं, और सुजाता बैद, कृष्ण कुमार, रवि मिश्रा, पंकज कुमार दास, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अब जिनका रुझान बदलता हुआ नजर आ रहा है अपनी पार्टी के ही प्रति। और 30 से ज्यादा बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का शामिल होना कहीं ना कहीं अब सेंधमारी का कारण बन सकता है। अब ऐसे में जन स्वराज जिस तरीके से उभरती हुई पार्टी के रूप में सामने आ रही है, माना यही जा रहा है कि प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में हो सकता है जेडीयू और आरजेडी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तो ये ऐलान कर दिया था कि इस पार्टी से दूर रहें, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन अगर ऐसे ही नेताओं का जुड़ना चालू रहा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये पार्टियां भी ऐलान कर सकती हैं कि जन स्वराज पार्टी से दूर रहने का। वहीं अगर बताया जाए तो प्रशांत किशोर की जो छवि रही है कहीं ना कहीं एक रणनीतिकार के रूप में रही है, एक विशेषज्ञ के रूप में रही है, और अगर वो अपनी पार्टी बनाकर इस तरीके से नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ये बदलाव आरजेडी और जेडीयू के पक्ष में नहीं गया तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और अगर ये नुकसान जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बीजेपी को देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से रणनीति बताते हैं दूसरे के पार्टियों की, अब अपनी कौन सी रणनीति और कौन सी चाल चलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए बिहार में अगले ही साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब प्रशांत किशोर का इस तरीके से बाहर आना और पार्टियों में सेंधमारी करना कहीं ना कहीं पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है और एक चुनौती के रूप में आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर सामने आ सकते हैं।